हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। तो जी, आ गई हूँ मैं एक और मीशो होम डेकोर हॉल वीडियो लेकर के, और इस बार के प्रोडक्ट्स देख के तो लिटरली मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी हूँ एज यूजुअल। लाइक हमेशा से ही मुझे आज तक, मतलब मैंने जितने भी मेजॉरिटी मीशो से सामान मंगाया सब कुछ अच्छा ही आया, और इस बार भी मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। हो सकता है एक दो चीज़ें कुछ ऊपर नीचे हुई होंगी, वो आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। एंड यार, बहुत अमेजिंग पीसेज है। स्टार्टिंग इस हॉल में हो रही है लिटरली 100 रुपीज़ से। यस, 100 रुपीज़ का भी मैंने एक प्रोडक्ट मंगा रखा है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो कि मैंने क्या क्या परचेज करा है, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉच। तो जी, सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट कुछ ऐसी पैकेजिंग में आया है और ये इतना ज़्यादा सुंदर और एस्थेटिक है। वॉल हैंगिंग, यस, इसमें बस वॉल हैंगिंग लिखा हुआ है और ये इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल आए हैं। सो ये आपको सेट ऑफ 3 वॉल हैंगिंग्स मिल जाते हैं, जो कि इतने ज़्यादा क्लासी हैं। लाइक आप देख सकते हो इस पर कितने प्यारे प्यारे से प्रिंट बने हुए हैं, कुछ इस तरीके की ट्राइबल वुमेन बनी हुई है, और आपको इस तरीके से इनको यू नो, कहीं पर भी हैंग कर देना है। एंड द क्वालिटी ऑफ दिस वन इज़ लाइक रियली गुड, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। ये MDF मटीरियल है, और इससे पहले भी मैं MDF मटीरियल में बहुत चीज़ें मंगा चुकी हूँ जो कि मुझे एक से बढ़कर एक मस्त लगती हैं। सो फर्स्ट प्रिंट आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है इस पे, देन सेकंड इस पे कुछ इस तरीके की विमेन बनी हुई है, और जो थर्ड प्रिंट है वो कुछ इस तरीके से। तो मुझे जो ऐसे ट्राइबल प्रिंट्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा क्लासी और बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगते हैं, और बोहो वाइब्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्पेशली अगर आपके ड्राइंग रूम में या आपका जो भी एरिया है वो क्रीम या ब्राउन है, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो फिर वहाँ पे आपको ये हैंग करने के लिए बहुत अच्छे लगेंगे। इसमें और भी आपको डिज़ाइंस एंड प्रिंट्स मिल जाएंगे। सो आई विल मेक श्योर कि मैं सब कुछ अच्छे से लिंक कर दूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर ही सकते हो इनकी लिंक्स, और देख सकते हो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। इसको आप कुछ इस तरीके से भी हैंग कर सकते हो, लाइक एक ऊपर एंड इस तरीके से, मतलब अलग अलग डिज़ाइंस में आप इसको हैंग कर सकते हो, बहुत प्यारे। अगर आपको इसको हैंग नहीं भी करना तो एक और ऑप्शन है कि आप इसके जो ये हैंगिंग्स हैं ये हटा दो, और पीछे डबल साइडेड टेप लगा के आप कहीं पे भी इसको स्टिक कर सकते हो। आई थिंक स्टिक करना ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू हैंगिंग, क्योंकि हैंगिंग में आपको यार नेल वगैरह भी लगानी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टिक करना ज़्यादा बेटर होगा, और आई थिंक मैं भी इसको स्टिक ही करने वाली हूँ। मुझे तो यार ये तीनों का सेट बहुत सुंदर और बहुत एस्थेटिक लगा, एंड अगेन गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली क्या होता है ना, होम डेकोर आइटम्स कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि आप किसी को भी लिटरली गिफ्ट कर सकते हो, और सामने वाले को पसंद ही पसंद आने वाला है। देन गाइस, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आया, थोड़ा सा हैवी भी है, और ये बहुत अच्छे से सब कुछ बबल रैप होके, और वो जो थर्माकोल वाला रैप होता है वो सब होके आया था। अभी तो मैंने सब अनबॉक्स कर दिया है। तो ये है हैंडीक्राफ्ट्स वॉल हैंगिंग प्लांटर वेस एंड ज्योमेट्रिकल वॉल डिज़ाइन। स्पेशली मुझे ना इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी थी, तो आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिख ही रही होगी, और ये लिटरली बहुत ही ज़्यादा सुंदर और एस्थेटिक आया है। तो गाइज, इसमें आपको 3 प्लांटर्स मिल जाते हैं, और इसको देखो, इसकी क्वालिटी यार बहुत अच्छी है, मेटल का है। और तो ये स्टैंड है बेसिकली, वैसे ना आपको साइड में पिक्चर दिख रही होगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये स्टैंड है, और इसके साथ आपको ये 3 प्लांटर्स मिल जाते हैं, और मैं वन बाय वन आपको दिखाती हूँ। एंड ये जो है, ये इसको मैं कहूँगी टिन का है, यस ये टिन का है। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से डायमंड शेप में है, देन इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से प्लांटर लगाना है। ये इसमें ढंग से फिट नहीं हो पा रहा है, बट अदरवाइज ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा, और फिर इसके अंदर आप अपना प्लांटर रख सकते हो, और इसको कहीं पे भी आप हैंग कर सकते हो। कितना ज़्यादा ये एस्थेटिक लग रहा है, आई थिंक ये कहीं पे भी आप लगाओगे ना 4 चांद लग जाएंगे। यस, 4 चांद इज माई वर्ड, और ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी। तो एक तो आपको बड़ा साइज़ का मिल जाएगा, और इसके साथ आपको 2 कुछ इस तरीके के छोटे छोटे साइज़ के मिलते हैं, और इनके प्लांटर्स इतने ज़्यादा क्यूट हैं, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो गाइज, ये कुछ इस तरीके से, और इसमें आप छोटे छोटे से प्लांट्स लगाओगे, कहीं पर भी लगाओगे, कितने सुंदर लगेंगे। ऑफकोर्स मेरी जो वॉल है वो वाइट है, तो वाइट पर इतना उठ के नहीं दिखेगा क्योंकि ये वाइट कलर का, बट अगर आपके यहाँ थोड़ी डार्क वॉल है या फिर मैम पेस्टल टोन्स में है, ओके, तो इसकी क्वालिटी तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर उसका भी साइज़ फिट हो जाता अच्छे से तो बेटर रहता, जैसे इन दोनों का हुआ है। माय गॉड गाइस, इसका प्राइस भी काफ़ी सही था, क्योंकि इतने एस्थेटिक डेकोर आइटम्स बहुत महंगे मिलते हैं, एंड ये मुझे मिला है 467 रुपीज़ का। 467 में आई थिंक बहुत ही अच्छा है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि 400-500 रुपये की चीज़ है। वो नेक्स्ट प्रो प्रोडक्ट है, वो कुछ ऐसी पैकेजिंग में, उस पर लिखा भी हुआ है फ्रेजाइल हैंडल विथ केयर, एंड इसको तो लिटरली मैंने बस खोल के देखा था, अनबॉक्स नहीं करा है। तो ओके, ये काफ़ी हैवी प्रोडक्ट भी है, और देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये पूरा रैप होके आया है, पूरी बबल पैकेजिंग हो रखी है इसमें। तो चलो इसको खोल लेते हैं। मुझे ना पार्सल्स खोलना पहले इतना ज़्यादा अच्छा लगता था, बट अब लिटरली मौत आ जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे पार्सल्स आते रहते हैं, तो मेरे पार्सल्स इधर उधर पड़े रहते हैं। कुछ कुछ तो मैं एक्साइटमेंट में खोल लेती हूँ, बट कुछ कुछ मैं नहीं खोल पाती। गाइस, लिटरली इसमें इतनी सारी लेयर्स हो रखी है ना बबल रैप की, फाइनली खुलने को आया है, एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसा होने वाला है। ओके, अनदर लेयर, एंड यस वी आर क्लोज टू इट, वी आर डन।
ओके जी, खुल जा खुल जा खुल जा। ओके सो इसका बड़ा ही यूनिक सा स्टाइल है। ये एक वेस्ट है एंड ये सिरेमिक का तो नहीं है, ये क्ले का है। यस गाइस, तो ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है, बट ओ माय गॉड द क्वालिटी इज़ सुपर्ब। एंड आई नो, क्योंकि मेरा पता नहीं क्यों गाइस, मुझे ना वाइट पे ही दिल आ जाता है, हमेशा वाइट चीज़ें ही मुझे पसंद आती है। पिक्चर में ना ये थोड़ा सा क्रीमिश टाइप का लग रहा था, इसलिए मैंने इसे लिया था, बट ये वाइट कलर में ही आया है। एंड ये थोड़ा सा इसका प्राइस ज़्यादा था, लाइक इट वॉज फॉर 434 रुपीज़, बट आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एंड कुछ इस तरीके से मैंने इसमें फ्लावर्स भी रख दिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, काफ़ी प्रिटी लग रहा है। तो इस तरीके से गाइज ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पैम्पस ग्रास वगैरह डालेंगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। बाकी ओवरऑल तो अच्छा है, क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। और ये मुझे मिला था 434 रुपीज़ का, उस हिसाब से थोड़ा सा मुझे स्लाइट ली एक्सपेंसिव लगा, बट देन कंसिडरिंग इतने अच्छे से इन लोगों ने पैकेजिंग करके दिया है, आपको घर तक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आई थिंक अच्छा है, फेयर डील है। थोड़ा सा अगर क्रीमिश कलर में होता तो मुझे और ज़्यादा पसंद आता। नेक्स्ट प्रोडक्ट कुछ ऐसी पैकेजिंग में है एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा, डिफरेंट सा लगा था। अगेन इसको भी अभी तक मैंने ओपन तो नहीं करा है, तो ये गाइस बहुत ही डिफरेंट सा एक वास है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अभी ऑफकोर्स ओपन तो मैं आप लोगों के सामने ही कर रही हूँ। तो गाइज ये कुछ इस तरीके से अभी आई नो, आप लोगों को इतने अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा। तो ये भी अगेन उसी गोल्ड मेटल फिनिश में आता है और साइड में मैंने आपको पिक्चर लगा दी है, तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये प्रोडक्ट है क्या एक्चुअली। एंड ये है प्रोपोगेशन स्टेशन विद मेटल फ्रेम डबल रिंग। ओके सो मैंने उसको उल्टा पकड़ रखा है, अभी मुझे रियलाइज हुआ। ये कुछ इस तरीके से, तो ये चीज़ नीचे आएगी, इसका एक तरीके से नीचे का स्टैंड है, बेस है। और फिर इसके साथ साथ गाइज आपको कुछ ऐसे पैकेजिंग में टेस्ट ट्यूब्स मिलती हैं, तो कुछ इस तरीके की आपको एक टेस्ट ट्यूब मिल जाती है एंड ये कांच की है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद इट। गाइज पूरा सेटअप कुछ इस तरीके से लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे सुंदर और एस्थेटिक लगा। और अब इसके अंदर मैं आपको फ्लावर्स लगा के भी दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको समझ आ जाए। सो कुछ इस तरीके से ये लगेगा पूरा लगने के बाद, जो कि आई थिंक सो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एंड यूनिक एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड ऑफ कोर्स मैं साइड में पिक्चर लगा ही दूंगी कि ये लगने के बाद, लाइक रखने के बाद कैसा लग रहा है। एंड आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक टाइप का वेस है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लाइक इट इज़ लुकिंग वेरी एक्सपेंसिव काइंड ऑफ, बिल्कुल भी ऐसा सस्ता सा नहीं लग रहा है, ऑल्दो इट इज़ वेरी सस्ता। ये मुझे मिला सिर्फ और सिर्फ 274 रुपीज़ में। येस 274 रुपीज़ में, यार क्या तो मस्त डील है। अगेन फॉर गिफ्टिंग पर्पस इट्स ग्रेट। देन नेक्स्ट ये बड़ा सा पार्सल है मेरे पास और इसमें दो तीन चीज़ें हैं, सो लेट्स जस्ट ओपन। इसको मैंने अनबॉक्स ही नहीं करा है क्योंकि ये मुझे आज ही रिसीव हुआ है। तो गाइस उस बॉक्स के अंदर से एक और बॉक्स निकला, ये वाला, और इसके अंदर से एक और कुछ इस तरीके का बॉक्स है। और आप देख सकते हो पैकेजिंग, यार मतलब मीशो बहुत अच्छी पैकेजिंग करके देता है, बिल्कुल भी प्रोडक्ट डैमेज तो आता ही नहीं है। एंड ये मैं खुद भी भूल चुकी हूँ कि मैंने मंगाया क्या था, एक्चुअली मुझे याद तो है बट उतने अच्छे से नहीं है। तो आप देख सकते हो पूरा थर्मोकोल में पैक होके आया है, ये मुझे खोलना पड़ रहा है इसको भी, स्पेशली कैमरे के सामने तो और आलस आता है क्योंकि इन सब चीज़ों में टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है। पर बहुत से लोग बोलते हैं कि दी अनबॉक्सिंग भी शेयर करा करो, तो ये बहुत ही प्यारी सी आई है चीज़, जैसी मैंने मंगाई थी एकदम वैसी ही आई है, बहुत एस्थेटिक आई है, ट्रस्ट मी। सो ये मैंने मंगाए थे, ये वॉल डेकोर आइटम्स है। और ये मैंने अगेन इस कलर में क्यों मंगाया, बिकॉज ऑफ कोर्स इट गोज़ विद माई एस्थेटिक। सो 1, 2, 3 एंड 4, एंड ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। सो फर्स्ट कुछ इस टाइप से है, सेकंड कुछ इस तरीके से है, थर्ड वन इज़ लाइक दिस, काफ़ी ज़्यादा सुंदर आए हैं ये, और फोर्थ कुछ इस तरीके से। तो ये चारों का सेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं यार, मतलब मुझे ऐसा लगा था ये ऐसे ही आएंगे, बट ये एक्चुअली 3D डिज़ाइन बनी हुई है इस पर। लाइक ये जो है ना, ये इस पर अलग एनग्रेव्ड टाइप का है, सो ये ऐसे 3D लुक दे रहा है और ये बहुत अच्छा लगेगा। लाइक आई डोंट थिंक सो अभी कैमरे में उतना अच्छा लग रहा है जितना इन रियलिटी लग रहा है, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगे। और ये यार ऐसे लगाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, प्लस इनकी क्वालिटी भी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा हैवी क्वालिटी में है ये और हैवी भी लग रहे हैं उठाने के बाद। 276 रुपीज़ का, येस ओ माई गॉड 276 रुपीज़ में, तो यार बहुत ही स्टील डील है, बिकॉज ये लिटरली काफ़ी हैवी लग रहे हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। कुछ और लो ना लो इस हॉल से, ये तो ले ही लेना, बहुत ही अच्छे आए हैं। सेकेंड एक और मैंने इन्हीं के उससे एक और पेंटिंग मंगाई थी, तो उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से पैकेजिंग करके भेजी है, और आप देख सकते हो पूरा थर्माकोल इन्होंने रैप करा है, तो इसको भी ओपन किया जाए। अगेन गाइज पैकेजिंग इज़ लाइक सुपर एंड टेंटेड। सो ये मैंने एक ऐसा ट्री टाइप का डेकोर मंगाया था और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है, स्पेशली फॉर गिफ्टिंग पर्पस इज़ ग्रेट। सो ये कुछ ऐसे दो आए हैं, इनको आप जोड़ के लगा लो और ये भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। एंड हाँ बाय द वे, ये सारी चीज़ों के पीछे आपको डबल साइडेड टेप लगा हुआ मिल जाता है, इन वाले में भी सब में डबल साइडेड टेप लगे हुए हैं। एंड ओ माई गॉड दीज आर ऑफ रियली हैवी क्वालिटी एंड रियली गुड वंस, और ये भी काफ़ी अच्छा है, लाइक इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये भी अगेन 3D है, देख सकते हो आप ऊपर से एनग्रेव्ड है, और अभी रिंग लाइट की वजह से ये ज़्यादा चमक रहा है, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बहुत खूबसूरत है ये। अगेन फॉर गिफ्टिंग पर्पस इज बेट्स, और ये
यार लिटरली 197 रुपीज़ का, यस लाइक लिटरली 200 रुपए के अंदर अंदर आपको इतनी प्यारी चीज़ मिल रही है एज होम डेकोरेशन, वॉल डेकोर के लिए. आई थिंक इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता. नेक्स्ट प्रोडक्ट कुछ ऐसी पैकेजिंग में है और ये है जिंकटेक्स मेटल गोल्ड फ्लावर वेस एंड गोल्ड लाइक वेसेज. मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने देखा इस हॉल में भी मैंने आपको कितने सारे फ्लावर वेसेज दिखाए क्योंकि मुझे एक रिक्वेस्ट भी आई थी ये शेयर करने के लिए. तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आया और ये लिटरली इतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, लाइक ये काफ़ी ज़्यादा हैवी टाइप का मटेरियल है और इसमें आप देख सकते हो कुछ ऐसा एनग्रेव्ड सा इफेक्ट है एंड ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर और क्लासी लगता है. अगेन इसमें मैं आपको फ्लावर्स डाल के तो दिखाऊंगी. ओके सो जस्ट लुक एट इट, ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, कितना 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 ज़्यादा प्यारा लग रहा है. एंड ये भी अगेन बहुत हैवी क्वालिटी का है एंड मेटल का ही है बट काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी. सो आई अगेन रियली लाइक सजेस्टेड. ये मुझे मिला 265 रुपीज़ का, विच आई थिंक इज टोटली वर्थ इट बिकॉज अगैन क्वालिटी इज़ नाइस, हैवी लग रहा है और महंगा भी लग रहा है. नेक्स्ट प्रोडक्ट कुछ ऐसी पैकेजिंग में है, अगैन इस पर लिखा है फ्रेजाइल हैंडल विथ केयर और इसके अंदर भी जो चीज़ें हैं वो पूरी बबल रैप होके आई हैं जो कि मैंने अभी तक ओपन नहीं करी है. सो इसको भी मैं आपके साथ ही ओपन करूँगी एंड इसमें भी मुझे बहुत सारी लेयर्स दिख रही हैं बबल रैप की. तो आई थिंक इसको भी ओपन करते करते मुझे थोड़ा टाइम लग ही जाएगा. गाइस बहुत ही तगड़ी वाली बबल रैपिंग हो रखी है और पहला प्लांटर निकल चुका है. ओह माय गॉड गाइस इतना सुंदर है यार ये, लाइक लिटरली काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है यार इसकी, मतलब आई टोटली लाइक इट. और सेकेंड वाला भी ओपन कर लिया जाए. आई थिंक सेकेंड वाला भी सेम ही है बट थोड़ा सा साइज में बड़ा है. एंड वलाल वाओ गाइज, लाइक जस्ट वाओ, इसकी क्वालिटी लिटरली काफ़ी अच्छी है. लाइक मैंने ये जो फर्स्ट वाला भी आपको दिखाया था ना, दिस वन, ये इसके सामने का इस कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी. आप भले ये वाला मत लेना बट ये वाला कैक्टस वाला ज़रूर से ले लेना. ये आपको दो दो क्यूट से कैक्टस मिल रहे हैं, एक थोड़ा सा बड़ा है एक थोड़ा छोटा है इससे एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर है. अगेन इसमें भी मैं आपको सेम फ्लावर्स ही लगा के दिखाऊंगी बिकॉज पता नहीं क्यों अभी यही फ्लावर्स रखे हुए हैं मैंने अपने पास. एंड जस्ट लुक एट इट, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार ये, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक है. लाइक बस जाओ और इसे जल्दी से परचेज कर लो. मतलब जो क्वालिटी मुझे मिली है ना इसके लिए मैं इनके सेट का 1000 रुपये देने के लिए भी रेडी हूँ बट ये मुझे मिले सिर्फ और सिर्फ 366 रुपीज़ में. 366 रुपीज़ में बहुत ही अच्छी डील है, टोटली जस्टिफाइड है, बहुत अच्छी क्वालिटी भी है, हैवी क्वालिटी है एंड फिनिशिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लाइक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा. तो जी नेक्स्ट प्रोडक्ट कुछ ऐसी पैकेजिंग में आया और इसमें थोड़ा सा मेरे साथ स्कैम हो गया. अब वो क्या हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ. तो मैंने ये दो एग प्लांटर्स मंगाए थे जो कि अच्छे से आए, लाइक पैकेजिंग वगैरह होकर सब अच्छे से आई बट द थिंग इज़ कि मुझे दो स्टैंड तो मिल गए बट प्लांटर एक ही मिला. तो इस वजह से मैं थोड़ी सी यू नो लाइक डिसहार्टेंड हूँ. तो इसमें आपको कुछ इस तरीके से दो स्टैंड्स मिल जाते हैं और ये देखो लगाने के बाद कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, कितना एस्थेटिक लुक दे रहा है. लाइक देख सकते हो आप, ये प्लांटर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है. इसके अंदर आप कोई भी प्लांट रख सकते हो. एक स्टैंड इस तरीके से मिलता है बट इस स्टैंड के साथ मुझे प्लांटर मिला ही नहीं, उसके बदले में उन्होंने मुझे ये टेप भेजा हुआ है. अब इस टेप का मैं क्या करूँ, आई डोंट नो. सो आई रियली होप कि ये रिटर्न हो जाए, मैं एक्सचेंज तो नहीं कराऊंगी इसको. तो यस ये कुछ इस तरीके से आया है. नो डाउट द क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज रियली नाइस. प्लांटर ही मुझे रिसीव नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ. तो गाइस प्लांटर्स की बात हो ही रही थी तो ये वाले भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. ये तो वैसे पहले मैंने पहले भी शेयर कर रखे हैं अपने और भी वीडियोस में और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं ये भी. और ये मैंने कुछ 200 या 300 रुपये के लिए थे एंड टोटली जस्टिफाइड है प्राइस इनका एंड बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं. सो यू कैन गो फॉर दीज वंस एज वेल, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. अदर देन दैट एक ये वाला भी प्लांटर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. ये प्लांटर नहीं फ्लावर वेस है एक्चुअली एंड ये जो है ये मेटल का है. सो ये भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और लगाने के बाद काफ़ी सुंदर लगा. तो गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक प्रोडक्ट है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जो कि इस पूरे होम डेकोर हॉल से थोड़ा सा डिफरेंट. तो ये मैंने एक हेयर क्रिम्पर ऑर्डर करा था जो कि काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आया और इस पर लिखा भी हुआ है नोवा हेयर क्रिम्पर. एक्चुअली ये क्रिम्पर है बट इस पर स्ट्रेटनर लिखा हुआ है, आई डोंट नो वाई, जबकि मैंने क्रिम्पर ऑर्डर करा था और रिसीव भी मुझे क्रिम्पर ही हुआ है. आप देख सकते हो इसकी प्लेट्स कुछ इस तरीके से हैं. एक्चुअली ये क्रिम्पर तो नहीं है, इसको वेवर कह सकते हो आप, बट द थिंग इज़ कि ये वर्क नहीं कर रहा है. लाइक ये हीट हो रहा है, हीट होने में इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है. हीट भी हो रहा है बट देन मैंने अपने हेयर स्पेस को करके देखा तो ये नहीं वर्क कर रहा है. सो आई विल नॉट रिकमेंड यू गेटिंग दिस. अगर आपको ये दिखता भी है मीशो पे तो मत लेना. मैंने इसके रिव्यूज़ देख के इसको परचेज करा था, रिव्यूज़ वर वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गुड बट ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि ये काम ही नहीं कर. तो यस गाइज आज की हॉल के लिए इतना ही. सारी प्रोडक्ट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. मुझे तो मतलब मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, जो अच्छे नहीं लगे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया. आपको सबसे अच्छा क्या लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना. बाकी गाइज आज के हॉल के लिए इतना ही. आई होप कि आपको ये हॉल वीडियो पसंद आए. अगर आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू.